हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। अभी हमने स्पेक्ट्रम शुरू किया था, जिसमें एडविन ऑफ यूरोपियन में हमने पोर्टुगीज, डच और इंग्लिश को पढ़ा था। आज हम लोग फ्रेंच शुरू करते हैं। फ्रेंच डेंस के बाद हमारा ये जो चैप्टर थर्ड है एडविन ऑफ यूरोपियन, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद जो आए थे वो फ्रेंच आए थे। फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 में बना गया था, और कॉलबर्ट के द्वारा बनाया गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। और कब बना था? 1664 में। उस टाइम फ्रेंच के जो रूल कर रहे थे, रूलर जो थे, वो लुईस 14 थे। उस टाइम ये कंपनी बना था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फ्रेंच में कौन रूल कर रहे थे, किनके टाइम हुआ था। तो लुईस 14 के टाइम में, और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था कॉलबर्ट के द्वारा। अगर मैं बात करूं कि फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री है वो कहाँ बनाया गया था, 1667 में सूरत में बनाया गया था। अब हम याद करें तो सूरत में इंग्लिश का भी पहला फैक्ट्री बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1613 में। और फ्रेंच का बनाया गया है 1667 में। ओके, तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं दोनों को, ताकि हमें याद रहे। ओके, उसके बाद जो बनता है फ्रेंच का फैक्ट्री, वो मछलीपट्टनम में बनता है 1669 में। तो ये जो 1667 में बनता है, वो उस टाइम फ्रेंक्विस कैरन रहते हैं, ठीक है। फिर 1669 में मछलीपट्टनम में बनता है, और ये एक्चुअली पर्शिया के जो राजा रहते हैं मकरा, उनकी हेल्प से फ्रेंक्विस कैरन बनाते हैं मछलीपट्टनम में फैक्ट्री। फिर 1673 का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अब 1673 जो है, तो बेसिकली जो सहिस्ता खान रहते हैं बंगाल के गवर्नर, वो फ्रेंच को परमिशन देते हैं कि आप चंद्र नौगौर के आसपास, जो चंद्र नौगौर बेसिकली गुजरात ने कलकत्ता के नज़दीक है, तो यहाँ पे आप टाउनशिप बना सकते हैं, ठीक है, 1673 में। मैं डेट को थोड़ा पॉइंट आउट करी, क्योंकि हिस्ट्री में हर, अगर आप डेट से याद करो तो इजीली याद हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या होगा, सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो 1673 में मुगल गवर्नर बंगाल के रहते सहिस्ता खान, वो परमिशन देते हैं फ्रेंच को कि आप चंद्र नौगौर में आप अपना टाउनशिप बना सकते हो। साथ ही साथ मछलीपट्टनम में सेटलमेंट साइट बनाने का परमिशन मिला किसके द्वारा? बीजापुर सुल्तान वलीकोंडा के रहते हैं शेर खान लोधी, वो परमिशन देते हैं। और ये देते हैं फ्रेंक्विस मार्टिन को देते हैं परमिशन, ठीक है। फिर 1674 में जो मार्टिन रहते हैं, वो गवर्नर बन जाते हैं फ्रेंच के, गवर्नर इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, फ्रेंच के गवर्नर बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्री बनाते हैं। ये माही माही हो गया, करिकल, कासिम बाज़ार, बालासोर, ये सब जगह वे फैक्ट्री बनाते हैं। और ये पुदुचेरी को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि पुदुचेरी को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाने वाले कौन से फ्रेंच है, तो फ्रेंक्विस मार्टिन है। फिर यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट देख लेते। तो 93 में क्या होता है, डच वाले इनसे ले लेते हैं पुडुचेरी, फिर वापस कर देते हैं, इस टाइप का रहता है। फिर क्या होता है ना, बीच में जो फ्रेंच कंपनी है वो बुरी तरीके से डूब जाता है। तो दो फ्रेंच गवर्नर रहते हैं जो कि इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो रहते हैं ल्यूनर और डिमास, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मे बी इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं। तो ल्यूनर और डिमास रहते हैं, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। तो ये दोनों जो रहते हैं, जो फिर से जो डूब जाता है कंपनी, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो आता है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1720 में। ओके, ये रहा, सॉरी ये रहा दिस। ओके, तो ये लोग फिर से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वॉर है, बैटल है, ऑफकोर्स हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो बैटल को पढ़ना ज़रूरी है, जितने बैटल्स हुए हैं, जितने ट्रीटी हुए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट देखना होगा। तो यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच वॉर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्नाटिक वॉर। बेसिकली तीन कर्नाटिक वॉर होते हैं। इसका अगर डेट देखा जाए, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 42-48 होते हैं, 1742-48। सेकेंड होते हैं 49 से लेके 54, एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर होते हैं 58 से 64 तक, ठीक है।
तो सब में अलग अलग ट्रीटी है, सब में अलग अलग बैटल है, उसको हम देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ना कि ये लोग का, वन मिनट, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रेंच का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वही उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे इंडिया पे होने लगा। इंडिया के हर जगह जहाँ जहाँ इन लोगों का कॉलोनी था वहाँ वहाँ ये होने लगा। तो हम देखते सबसे पहले कि पहला कार्नाटिक वॉर के बारे में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जैसा कि डेट लिखा हुआ है कि 1740 से लेके 48 के बीच फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। तो क्यों कार्नाटिक ही क्यों बोला गया? एक्चुअली जो इंडिया का हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, यानी कि ईस्टर्न साइड ये वाला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही, इसको हम कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस रीज़न को यूरोपियन क्या बोलते हैं, कार्नाटिक बोलते हैं। इस रीज़न को यूरोपियन कार्नाटिक बोलते हैं। तो ये हुआ क्या ना कि यूरोप में बेसिकली ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, जिसके कारण यूरोप में इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में वॉर होने लगा, और यही एक्सटेंशन होके हमारा इंडिया में पहला कर्नाटिक वॉर का रीज़न बन गया। ये एक बैकग्राउंड था, बट इमीडिएट कारण क्या बना? अब वहाँ पे वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ प्रोवोक करेगा एक दूसरे को, ताकि यहाँ पे भी वॉर हो। तो शुरुआत ऐसे हुआ कि जो इंग्लिश वाले नेवी रहते हैं बार्नेट, वो क्या करते हैं, वो फ्रेंच को प्रोवोक करने के लिए वो फ्रेंच के शिप को कैप्चर करने लगते हैं। फिर ऑफकोर्स वो प्रोवोक हो गए, तो इसके बदले जो फ्रेंच वाले रहते हैं वो भी मद्रास को छीन लेते हैं। तो ये मद्रास एक्चुअली फ्रेंच का मॉरिशस एंड वन इज़ री यूनियन आइलैंड, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के साइड में है। तो ये यहाँ पे इनका नेवल फ्लीट जो है फ्रेंच कराता था, तो वो वहाँ से बुलाते हैं कि आप मेरा हेल्प करो, और वहाँ से वो हेल्प करते हैं और मद्रास को इंग्लिश से छीन लेते हैं। तो इधर जो बार्नेट रहते हैं इंग्लिश वाले ने भी, वो फ्रेंच के शिप को कैप्चर करते हैं और फ्रेंच वाले मद्रास। इस तरह एक इमिडिएट कारण बन जाता है कि हाँ अब वॉर करना है, ठीक है। तो बाद में रिजल्ट क्या होता है ना कि वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन वॉर सेशन चल रहा है उसका कंक्लूजन निकल जाता है, तो वहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ अक्सर छपी, क्योंकि वहाँ का जगह है, तो उस नाम से वो ट्रीटी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी रिजॉल्व कर दिया जाता है कि हाँ आपको फ्रेंच, यहाँ पे बोलता है मद्रास जो लिया था वो इंग्लिश को मिल जाता है, और जो फ्रांस है फ्रांस वाले लोग को वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका मिल जाता है। तो इस तरह एक रिजल्ट बन हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसका क्या महत्व है इस बैटल का, तो बेसिकली होता क्या है ना इस बैटल में, इसमें एक बैटल होता है, ये नाम आपको याद रखना है, बैटल ऑफ संथोम। इसको हम बैटल ऑफ मद्रास या अडियार, क्योंकि अडियार रिवर के किनारे होता है। तो ये आपको तीनों नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कुछ भी पूछ सकता है कि बैटल ऑफ संथोम कहाँ हुआ या मद्रास कहाँ अडियार, तो हम लोग कन्फ्यूज ना हो इसके लिए तीनों नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बैटल ऑफ संथोम और अडियार हुआ। तो ये फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुआ, और अनवरुद्दीन कौर रहते हैं कर्नाटक जो रीजन है ना, वहाँ के गवर्नर ये रहते हैं, राजा रहते हैं। तो ये लोग के बीच में, तो इंग्लिश वाले जो रहते हैं ना वो अनवरुद्दीन का साइड लेते हैं और फ्रेंच वाले अलग साइड रहते हैं। तो यहाँ पे बैटल चलता है रिवर अडियार के बगल में और के बैंक ऑफ रिवर अडियार। तो इंडियन आर्मी जो है वो महफूज खान जो है उनके अंडर आता है, बहुत बड़ा सेना रहता है, और इधर फ्रेंच वाले रहते हैं डुप्लेक्स के अंडर। तो डुप्लेक्स की आर्मी बहुत छोटी रहती है, तो वो काफ़ी यहाँ पे मतलब इतनी छोटी आर्मी हो के भी बहुत अच्छे से वो उस के खिलाफ करती है और उसको हरा भी देती है। बट ऐसा देखा जाए तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का कंक्लूजन कुछ नहीं है, मतलब दोनों इक्वल है, क्योंकि वहाँ पे डिसाइड हो गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे इनकन्क्लूसिव है, ठीक है। तो बट इससे सिग्निफिकेंस यही है पहले का कि एक छोटा अगर डिसिप्लिन आर्मी भी हो तो वो बड़े से बड़े आर्मी को हरा सकता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम ये लाइन को लिख सकते हैं कि एक स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी भी एक बड़े इंडियन आर्मी को हरा सकता है, ठीक है। तो इससे ही, और डुप्लेक्स इसके थे, ओके। तो पता चल गया, यानी कि पहला कर्नाटिक वॉर 40 से 48 में हुआ, 46 में इंग्लिश बार्नेट जो है वो क्या किया, फ्रेंच वाले लोग को, उसका शिप को कैप्चर किया, फिर फ्रेंच क्या किया मद्रास को कर लिया। ये इमीडिएट कारण था। बैकग्राउंड क्या चल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था और वहाँ पे युद्ध हो रहा था, फिर ट्रीटी ऑफ अक्सा चपेला हुआ जिसमें मद्रास
इंग्लिश वाले को मिल गया और वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका फ्रेंच वाले को मिल गया। सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि बैटल ऑफ संथॉम मद्रास के बैटल में, जिसमें एक साइड इंग्लिश था और दूसरे साइड महफूज खान जो कि अनवरुद्दीन और इंग्लिश के साइड से लड़ रहे थे, उसको में एक छोटा डिसिप्लिन आर्मी फ्रेंच वाले डुप्लेक्स वो हरा दिए एक बहुत बड़े इंडियन आर्मी को। तो ये पूरा कंक्लूजन था ओवरऑल, ठीक है। अब हम सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में आते हैं, जो कि बेसिकली 49 से लेके 54 तक हुआ था, ओके। तो इसमें क्या होता है ना कि हैदराबाद के जो फाउंडर रहते हैं निज़ामुल मुल्क, तो इनकी मृत्यु हो जाती। अब मृत्यु हो गई तो अब इसके बाद कौन राजा बनेगा क्या नहीं बनेगा वो अब देखेंगे। तो एक साइड रहते हैं ना कि हैदराबाद के रहते हैं कि उनके बेटे नासिर जंग, ठीक है, और दूसरी साइड मुजफ्फर जंग उनके नातिन ग्रैंडसन रहते हैं। तो और फिर एक और जो ये हो गया डेक्कन यानी हैदराबाद, और कर्नाटक के लिए अनवरुद्दीन रहते हैं। और यहाँ फ्रेंच क्या करते हैं, चंदा साहिब जो कि शायद मराठा के अंदर रहते कैपिटेटिव में, उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोकल डिस्प्यूट में ये लोग फंसे, क्योंकि वहाँ पे भी वॉर चल रहा था, तो ये लोग यहाँ पे भी करना कर रहे थे। तो हुआ क्या, जैसे कि आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि कौन किसके सपोर्ट में है, तो एक छोटा सा जैसे देखिए इसमें क्या है ना, रॉबर्ट क्लाइव बाद में आते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव, अनवरुद्दीन और ये हो जाएगा नासिर जंग, ठीक है। तो एक छोटा सा रैन करके एक मैंने ट्रिक बनाया मैंने, कि रैन करके हम याद आते कि रॉबर्ट क्लाइव यानी इंग्लिश वाले के सपोर्ट के, तो अनवरुद्दीन जो कि कहाँ कर्नाटक, और नासिर जंग हो गए डेक्कन यानी हैदराबाद के, इसको सपोर्ट कर इंग्लिश इंग्लिश वाले किसको सपोर्ट कर, इंग्लिश नहीं फ्रेंच वाले, फ्रेंच वाले इसमें चंदा साहब को कर रहे हैं और इसमें मोहम्मद जंग को कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ डुप्लेक्स और DCM करके हम याद कर सकते हैं ट्रिक। तो ये है, इस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, एक वन मिनट, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो फ्रेंच है चंदा साहिब है मुजफ्फरजंग तीनों मिलके अनवरुद्दीन को मार देते हैं, और साथ ही साथ जो ये रहते हैं नाजिर जंग रहते हैं उसके भी अपने नॉबल्स लोग उसको मार देते। तो कहीं ना कहीं डुप्लेक्स पूरी तरीके से जीत लेता है, और एक बहुत बड़ा अगर बहुत बड़ा वो एक एरिया को ले लेता है, क्योंकि उस तरह से पूरे लोग हार चुके हैं अनवरुद्दीन की मृत्यु के। लेकिन अब क्या होता है ना, अनवरुद्दीन का बेटा आता है, उसका नाम मोहम्मद अली रहता है। तो वो वो रॉबर्ट क्लाइव के पास आता है कि अब प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो और मुझे गद्दी दे दो। तो रॉबर्ट क्लाइव भी यहाँ पे है। तो अभी तक क्या हो रहा है ना, फ्रेंच जीत रहे हैं वॉर को, लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा जिसमें सब उलट फुलट हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जब जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास, तो यहाँ पे ट्रिगोनोपल्ली में जो है वो लड़ाई होता रहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव, एक बहुत बड़ी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे वो सिर्फ 210 मैन को, वो क्या करते हैं ना कि जो कर्नाटक का जो कैपिटल रहता है आरकोट, वहाँ पे अटैक कर देते हैं। और एक तरफ चंदा साहिब का 4000 आर्मी रहता है, और वो 53 तक वहाँ स्टे भी रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव के लिए, मतलब कि एक रूलर की कैपिटल को ही कैप्चर कर लेना इतना दिन तक, भले बाद में वो चले जाते हैं वहाँ से, लेकिन इतना दिन तक तो एक हीरो की तरह वो पहले ही उभर के आएगा। और बाद में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी में वो किस तरह से अपना रणनीति बनाते हैं और पूरी तरीके से जीत लेते हैं, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि वो ये कर लेते, और बाद में आगे क्या होता है ना, तीन लोग यहाँ पे मैसूर, मराठा और तंजौर, ये लोग बाद में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, हम लोग भी आपका हेल्प करेंगे। तो फिर चंदा साहिब को बाद में एग्जीक्यूट करके इनको मार दिया जाता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अब क्या होता है ना कि फ्रांस वाले लोग जो फ्रेंच रहते हैं ना, काफ़ी डुप्लेक्स के टाइम में बहुत ज़्यादा इनको फिनेंशियल लॉस होने लगता है। तो अब बोलते हैं कि सब लोग फ्रेंच गवर्नमेंट की, अब तुम डुप्लेक्स को रिकॉल बुला लिया जाता है। तो उसके बाद गोदेहू सक्सीड करते हैं, गोदी। तो ये इनका पॉलिसी एक नेगोशिएशन का पॉलिसी रहता है, और यहाँ पे एक ट्रीटी नाम नहीं लिखा है, ट्रीटी ऑफ पुदुचेरी होता है, पुदुचेरी का ट्रीटी होता है। उसमें यही बात कहा जाता है कि हम एक दूसरे के टेरिटरी पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरह से ट्रीटी बना दिया जाता है। तो फिर जो कर्नाटक के रीजन है वहाँ मोहम्मद अली बन जाते हैं, और मोहम्मद अली बन जाते हैं और हैदराबाद के सलाबत जंग। तो इस तरह से जो वॉर को जीत रहे थे फ्रांस, अब वो
इसको इंग्लिश वाले जीत जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश वाले इसको जीत जाते हैं। अब आता है थर्ड कार्नाटिक वॉर, जिसका डेट 58 से 64। ओके, अब ये क्यों होता है, इसका बैकग्राउंड है ना कि अब ये 7 ईयर वॉर चलता है, बहुत बड़ा वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले कोई सबसे बड़ा वॉर था तो ये था 7 ईयर वॉर, ठीक है। तो ये वॉर चलता है अगेन ऑफ कोर्स इंग्लिश और फ्रेंच के बीच ये वॉर चलता है, तो यहाँ इंडिया में भी तो होना ही था इन लोग के बीच में। तो ये लोग कैसे करते हैं, होता क्या है ना, वहाँ पे 1756 में होता, तो यहाँ पे न्यूज़ आते आते इंडिया में तो टाइम तो लगता ही है, तो 6-7 महीने में आते, तो यहाँ 1758 में झगड़ा शुरू होता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। तो शुरुआत क्या होता है कि जो फ्रेंच का जो आर्मी रहता है काउंटर डिली के तहत रहते हैं, तो वो इंग्लिश के जो फोर्ट है संत डेविड और विजयनगर का, उसको कैप्चर कर लेते हैं। साथ में जो इंग्लिश वाले भी रहते हैं क्या करते हैं, फ्रेंच का जो उनका मछलीपट्टनम में जो उनका है शिप को, उसको फिर वो डुबा देते हैं। तो इस तरह से ये लोग के बीच में झगड़े होते हैं, एक रीज़न था। फिर यहाँ पे एक वॉन्डी वॉश का बैटल होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वॉन्डी वॉश पर जैसे हमने पढ़ा था कि डच और इंग्लिश के बीच में जो एक बैटल था जिसमें डच का जो भी कंट्रोल था इंडिया में वो ख़त्म हो जाता है, उसी तरह फ्रेंच का ये बैटल है। डच का कौन सा बैटल था बताइए, अगर आपको बताए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, तो डच का जो बैटल था वो बैटल ऑफ हुगली, जिसे मैंने बेदारा और तिनशुरा भी कहा था, नवंबर 1759 में, जिसके कारण जो भी डच का कंट्रोल था इंडिया पे वो फाइनली ख़त्म कर देते। उसी तरह ये वॉन्डी वॉश वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच जो कि इंडिया में अभी तक थे उनका भी कंट्रोल कहीं ना कहीं चला गया। तो ये डेट याद रखना है, 22 जनवरी 1760, ठीक है। तो इसको वॉन्डी वॉश जो भी बोलना है, तमिलनाडु में ये है। तो इंग्लिश की तरफ से ये ईयर कूट रहते हैं, जो कि फ्रेंच के आर्मी काउंट थॉमर और ये काउंटी डेली को हरा देते हैं, और एक बजी भी रहते हैं फ्रेंच, उसको एक प्रिजनर बना देते हैं, ठीक है। इस तरह है, अब देखते हैं कि रिजल्ट और क्या सिग्निफिकेंस रहा। बेसिकली इसमें जो ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, क्योंकि वहाँ पे पीस ऑफ पेरिस हो गया तो इसको यहाँ पे कर दिया गया। तो देखिए, अभी हमने तीन जो वॉर पढ़ा, पहले हम डेट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहला कर्नाटिक वॉर पढ़ा 40 से 48, सेकेंड 49 से 54, एंड थर्ड 58 से 64। पहले में बैटल कौन सा था, सन थॉम, जिसको मद्रास या अडियार बोल रहे थे। सेकेंड में बैटल अम्बुर या वेल्लोर, ओके। एंड थर्ड में बैटल है कौन सा, वॉन्डी वॉश। पहला में ट्रीटी अक्सा चपेला, सेकेंड में पुदुचेरी, एंड थर्ड में पीस, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ओके। तो ये आपको एक बॉक्स ब्लॉक बना के आपको लिख लेना है, क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन हर बार और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो ये देख लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अब क्या होता है, इस वॉर के बाद इंग्लिश वाले का एक सुप्रीम पावर हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि जब डच डिफीट हो जाता है बैटल ऑफ बेदारा में, जैसे मैंने बताया, उस टाइम ही सुप्रीम कंट्रोल हो चुका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉन्डी वॉश के बैटल में हुआ, और कुछ लोग कहते हैं जो प्लसी का बैटल है। तो तीनों बैटल हुए, जो कि सबके अलग अलग ओपिनियन है कि इसमें सुप्रीम कंट्रोल हो गया, बट ओवरऑल ये था, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि क्या रीज़न था कि इंग्लिश सक्सेस किया और फ्रेंच फेलियर हो, क्योंकि पहला सबसे रीज़न अगर पूछा जाए तो पहला रीज़न ये है कि इंग्लिश जो कंपनी है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, तो ये रीज़न, और कि वो उनका गवर्नमेंट है, तो ये उसके इंग्लिश का आर्मी ज़्यादा सुपीरियर है फ्रेंच की आर्मी से। और थर्ड रीज़न अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है उनका 3 इम्पॉर्टेंट प्लेस है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जबकि फ्रेंच का सिर्फ एक ही था, पुडुचेरी, ठीक है। तो ये सब रीज़न है, तो आप ये सब रीज़न देख सकते हैं। ये बॉक्स को भी एक बार आप रीड कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट, जैसे देखिए यहाँ पे ये सब पूछ सकता है अगर बहुत डीपली पूछना है। सेलमपोर क्या होता है, एक तरह का कॉटन क्लॉथ हो रहा है। मोरई क्या है, एक सुपीरियर क्वालिटी का कॉटन क्लॉथ है। तो ये सब में भी कन्फ्यूज़न थोड़ा से है। अब थोड़ा डेंस के बारे में, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस वन लाइनर है, ये वाला आप लोग पढ़ लेते हैं। जो डेंस ईस्ट कंपनी है वो 1616 में बना था, ठीक है, और 1620 में इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया तंजौर के नियर बनाया, ईस्टर्न कोस्ट का। और फिर उनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट था वो कहाँ पे था, कलकत्ता के बगल में जो सिरमपोर था वहाँ पे था।
और जो डेनिस फैक्ट्रीज था जो कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बाद में क्या किया, 1845 में ब्रिटिश को सब सेल करके चले गए। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस हमने ये पढ़ा कि 1616 में ये कंपनी बना, 1602 में तंजावुर में इनका ये फैक्ट्री बना, फिर 1885 में ये लोग बेच के चले गए, बस यही था। फिर क्यों इंग्लिश सक्सीड किया था यूरोपियन पावर के, तो यहाँ पे कुछ कुछ रीज़न है वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका नेवल सुपीरियर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, एक इस तरह से यहाँ पे कुछ कुछ रीज़न है, ठीक है, जो कि मेंस में आपके बहुत हेल्प कर सकते हैं। 1 मिनट, एक ये आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह हमारा ये शायद चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये आप जो बॉक्स में एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि एक समरी के तौर पे अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंजे ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए स्पेक्ट्रम बुक के, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका हैंड रिटन नोट्स बना के वीडियो डालूंगी ज़रूर। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे मेरे समझाने में कोई तरीके में, तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ओके, थैंक यू।